सबसे पहले आप हमारे यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेल का आइकन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर लें ताकि हमारे जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाउ टू ट्रिक्स में। मेरा नाम है कैलाश पालीवाल। तो दोस्तों अभी तक आपने पंजाब हैदराबाद और दिल्ली वर्सेस कोलकाता की टीम नहीं बनाई है तो आप ये वीडियो देख के आप टीम बना सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो ऐप के ऊपर देख रहे हैं तो आपको एक बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर ले क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आज हम बनाने वाले हैं गुजरात वर्सेस बैंगलोर और दिल्ली वर्सेस हैदराबाद। ये दोनों टीम की अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अलग अलग वीडियो आपको पोस्ट कर सकूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जीते, इसलिए मैं दोनों टीम कंबाइन में एक ही वीडियो में बना रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात और बैंगलोर की टीम जो मैंने बनाई है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिट टीम पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं विकेट कीपर पे और विकेट कीपर यहाँ पे लिया मैंने केदार जाधव। बैट्समैन की ओर हम यहाँ पे आते हैं तो ब्रेंड्स मैकलम को आप ले सकते हैं, ए बी डेविलियर्स को आपको लेना है, सुरेश रैना को आपको लेना है, विराट कोहली तो फिलहाल फॉर्म में नहीं चल रहे लेकिन ठीक ठाक खेल रहे हैं तो विराट कोहली को भी आपको लेना है, उनके ऊपर भरोसा करना है, और डेन स्मिथ को भी आपको फाइनली यहाँ पे ले लेना है। यानी पहले पांच प्लेयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऑलराउंडर में चलते हैं, ऑलराउंडर में यहाँ पे स्टुअर्ट विनी को आपको लेना है, सेन वॉटसन को भी आपको यहाँ पे ले लेना है। लास्ट में हम आते हैं बॉलर के ऊपर और एंड्रेस टायर को आपको यहाँ पे लेना है और एक ऐसा प्लेयर यहाँ पे आपको लेना है जिसकी अंकित चौधरी को यहाँ पे मैंने लिया है और तेजस बरोका को यहाँ पे मैंने लिया है। ये दोनों प्लेयर की रेटिंग बहुत कम है लेकिन इनको मैंने इसलिए लिया है कि बहुत से कम लोग इनको लेने वाले हैं और अगर ये चल गए तो आपको ये बहुत आगे चला सकते हैं। तो आपको दो प्लेयर या फिर एक प्लेयर ऐसा लेना है जो जिसकी रेटिंग बहुत कम हो क्योंकि चांसेस होते हैं यहाँ पे जीतने के। इन इन ये प्लेयर अगर चल जाते हैं, नए प्लेयर हैं और कुछ अच्छा कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप आगे जा सकते हैं। तो गुजरात की टीम तो ये रही थी और साथ में आपको मैं कैप्टन के बारे में बता दूँ तो कैप्टन आपको सेलेक्ट करना है विराट कोहली, हम इनके ऊपर भरोसा करते हैं तो विराट कोहली को ऑब्वियसली उनको रखना है हमें। और वाइस कैप्टन की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेंड्स मैकलर जो यहाँ पे आपको बैट्समैन के अंदर मिल जाएंगे, सबसे पहले ब्रेंड्स मैकलर को आपको वाइस कैप्टन यहाँ पे बनाना है। तो ये सारी गुजरात और बैंगलोर की टीम यहाँ पे बन गई है। नेक्स्ट टीम पे हम चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट टीम यहाँ पे हम आते हैं गुजरात वर्सेस बैंगलोर की हमारी हो चुकी है और नेक्स्ट टीम यहाँ पे है दिल्ली वर्सेस हैदराबाद, यहाँ पे आ चुके हम लोग। तो इस टीम को भी मैं एडिट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे लिए हैं। तो ऋषभ पंत को यहाँ पे लेना है, फिलहाल ये अच्छे तरह से चल रहे हैं तो मैंने ऋषभ पंत को लिया, इनको भरोसा किया है। बैट्समैन पे आते हैं तो हम डेविड वार्नर यहाँ पे है, संजू सैमसन को लेना है, शिखर धवन को यहाँ पे लेना है, सैम बिलिंग्स को यहाँ पे लेना है और युवराज सिंह को। मैं वेट कर रहा हूँ कि युवराज सिंह पता नहीं कब खेलेंगे लेकिन इन पर भरोसा रख के मैंने इनको यहाँ पे दिया है। ऑलराउंडर पे आते हैं तो क्रिस मॉरियस को यहाँ पे लेना है, फिलहाल अच्छे चल रहे हैं तो इनको लेना है। और मोशियस हेनक्रिक्यू क्या नाम है यहाँ पे, लेकिन बॉलर की हम यहाँ पे बात करें तो इस बार भी मैंने बॉलर के ऊपर जो मैंने आपको पिछली बार जो ट्रिक बताई थी अभी वैसे ही मैंने लिया है, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार अच्छे चल रहे हैं, रशीद खान भी अच्छे चल रहे हैं लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जो जिनको मैंने यहाँ पे लिया है वो कलील अहमद है। ये प्लेयर की रेटिंग बहुत कम है, यहाँ पे रेटिंग बिल्कुल नहीं है इनके पास लेकिन मैं इनके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ कि अगर ये चल जाते हैं तो बहुत हमें भी आगे चला सकते हैं। तो ये मेरी सारी टीम थी और कैप्टन जो मैंने रखा है वो क्रिस मॉरियस को यहाँ पे रखा है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे शायद ऑलराउंडर्स में। यहाँ पे क्रिस मॉरियस ऑलराउंडर प्लेयर है तो यहाँ पे आपको कैप्टन इनको बनाना है और डेविड वार्नर जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बैट्समैन के अंदर उनको आपको बनाना है वाइस कैप्टन। टीम सेलेक्ट कर लीजिए और सारे जो भी आप खेलना चाहते हैं, जो भी लीग्स आप खेलना चाहते हैं वो आप यहाँ से खेल सकते हैं। प्रॉबिलिटी आपको हो सकती है कि आप जो कम पैसे वाली लीग है उसमें खेलें ताकि आप अच्छी तरह से पैसे जीत सके। दोस्तों विनिंग अमाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पैसे जीते हैं, ये कोई मैं फेक यहाँ पे पोस्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको पता नहीं चला है कि ड्रीम्स इलेवन किस तरह से खेलते हैं तो आपको दोनों वीडियो यहाँ पे साइड में दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं और आप किस तरह से ड्रीम्स इलेवन क्या है उसके बारे में जान सकते हैं और किस तरह से आप उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं ये भी मैंने यहाँ पे बताया है दोस्तों। तो ये दोनों वीडियो देखिएगा ताकि आप आने वाले आईपीएल में पैसे आप कमा सकें और फटाफट अपनी टीम बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं टीम को एडिट करना चाहता हूं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कोई अच्छी बेहतरीन टीम और हो सकती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा मैच के पहले। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कीजिए और दोस्तों 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 इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।